अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मरियम है। मेरा बंदा मेरा बिल्कुल भी नखरे नहीं उठाता। तो चल यार कोई गल नहीं, कदी कदी बंदे नहीं भी नखरे चुकते, उन्हें तो भी दिल करता है कि बुढ़िया उन्हें तो नखरे चुकन, तो मैं है ना अपने बंदे ने नखरे चुकन ले। आज के दिन का आगाज़ कहते हैं जी हमारी सुबह की किरणों के साथ, और सुबह सुबह मैं उठ गई थी। चले हाँ जी, जिस घर के बिगड़े हुए बच्चों को उठाते हैं जो कि गधे घोड़े बैठ के सो रहे हैं, और सबसे पहले मैं इसे बंद करते हैं, पूरी रात ऐसे चलते हैं, बिल तेरे प्यो ने देना है ना। और माशाल्लाह से प्यो साहब के यहाँ पर नींद ही नहीं पूरी हो रही जनाब की। और यहाँ जी मैं अपने गरीब शोर के पर से इकलौता 100 रुपया निकाल के एसी का सदका देते हुए, क्योंकि एसी पूरा हफ्ता ख़राब रहने के बाद बिलाखिर आज चल गया, और अब इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जी मैं अपने सोने शहजादों का भी साथ साथ सदका निकाल रही हूँ, क्योंकि इनका सदका भी टाइम टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे सोने में नज़र लग जाती है। चलो जी, इधर नाश्ता रेडी हो चुका है, और इधर मजदूर की शक्लां चेक करो जरा, जितना बड़ी ज़बरदस्ती मैंने इन्हें बैठाया हुआ है, लेकिन फिर भी रोटी खाने तो बाज जाना। तो इन्हें स्पीडियाँ चेक करो, रोटी खान दी है जिदा जहाँ नींद चाहे, लेकिन फिर भी फुल स्पीडो स्पीड है रोटी खाते पे है। और उनकी स्पीड देख के ऐसे लग रहा है जैसे लंगर खुल गया, और इन्होंने और रोटी पे रोटी मांगनी है, लेकिन ही मैंने और रोटी बनाई नहीं है, और इसी रोटी पे मैं भी साथ साथ बीच में शामिल हो रही हूँ। इससे पहले कि ये अकेले दोनों सारी रोटी खा जाए, यहाँ पे जो मैं रेडी थी, मेरे बंदे की शौक ही नहीं खत्म हो रही। यहाँ पे जी ड्यूटी पे जाने से पहले मैं सुकड़ बहू का किरदार निभाते हुए अपना कपड़ा शमड़ा सेट कर रही हूँ। हुरैन ने मेरी सारी चीज़ें बर्बाद कर दे रही हैं, चीज़ें निकाल निकाल के। यहाँ पे जी बस हम लोगों ने अब निकलना है ऑफिस के लिए, और हुरैन को इसकी नानों की तरफ छोड़ना है, तो फटाफट जी इसको रेडी करते हैं। और इसका जो है ना वो रोज़ का ड्रामा कि नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, लेकिन लेके जाना तो पड़ेगा। और यहाँ पे जी बिल्कुल एंड पे जब हम बिल्कुल रेडी हैं, लेट हो रही है, और मेरे बंदे की भी नहीं मिली एज यूजुअल। यहाँ पे जी हम लोग निकल रहे थे, और मैंने घर को लगाया कुंडी, और हम लोगों की सवारी बिल्कुल तैयार है, अपने लैंड क्रूजर पे हम बैठे हैं। लो सफ़र शुरू हो गया। और यहाँ पर हमें एक आंटी मिली, मैंने अपने बंदे से कहा जो 100 रुपये में सदका था कड़िया से वो फड़ा दे थे है ना, कि उतर जाके ड्यूटी तो चाह पी ले थी ही। यहाँ पे जी तपती दोपहर में हम लोग निकल पड़े, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था इस सड़क पर घूमने फिरने का। यहाँ पे जी हम अपनी अम्मी की तरफ पहुँच गए, और ये हमारे दिन का सबसे सैड मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जान के टोटे को नानों की तरफ छोड़ना होता है, और वो कभी तो प्यार से चले जाती है, और कभी इतना चीखती है कि बस दिल खिंच जाता है। और यहाँ पर हम लोग दोबारा ड्यूटी पे जाने के लिए चले गए। हमारा बच्चा हमसे 10 घंटे बिल्कुल दूर रहता है, और शाम को जब हम जाते हैं तो इतना उदास होता है, और उदास तो हम भी हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की ऐसे ही भागम दौड़ है। यहाँ पर जब हम अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए थे, चलो जब हमारी ड्यूटी का वक्त हो गया, और हमने आज आपसे शेयर किया अपनी सुबह की रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, खासतौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैंने मल्टीपल काम करने होते हैं यार, दाद तो बनती है ना फिर। चलो जी यहाँ पर बस जी मैं अब व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिनी व्लॉग था, लेकिन फिर भी थोड़ा लंबा हो गया है, माइंड मत कीजिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा, इसका पार्ट टू भी आएगा। बस जी अब हम अपना काम शुरू करते हैं, ऑफिस में आके बैठते हैं, फटाफट एसी चलाते हैं, क्योंकि एसी के बगैर तो यार आजकल कोई गुजारा नहीं है। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।